हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बीबी के रिव्यू पर, जहां पर हम टेस्ट एंड रिव्यू करते हैं स्मार्ट वॉचेस एंड उनके फीचर्स को। तो आज जो स्मार्ट वॉच हमारे पास आई है वो है बोट ब्रांड की अल्टिमा कॉल। ये स्मार्ट वॉच अभी रिसेंटली अमेजोन पे लॉन्च की गई थी। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन, हार्ट रेट एंड SPO2 मॉनिटर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इसके अंदर आपको IP68 की वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी है, क्योंकि आज हम करेंगे इस स्मार्ट वॉच का वाटर टेस्ट और देखेंगे क्या ये स्मार्ट वॉच सच में वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं। बाकी आपको इससे मिलती जुलती या फिर कह लीजिए यही स्मार्ट वॉच फ्लिपकार्ट पे एक अलग नाम से देखने को मिल जाएगी, जो कि है अल्टिमा कनेक्ट। जब मैंने दोनों स्मार्ट वॉचेस के फीचर्स, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन चेक किए तो दोनों ही स्मार्ट वॉच मुझे बिल्कुल सेम लगे। तो मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही स्मार्ट वॉच बिल्कुल एक ही है, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम से लॉन्च कर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी स्मार्ट वॉच है तो आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस देख सकते हो वाटर टेस्ट के लिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम ऐसे स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो इस स्मार्ट वॉच का वाटर टेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि इस पानी से भरे बाउल के अंदर इस वॉच को 5 मिनट्स के लिए डुबा के रखेंगे, सबमर्ज करके रखेंगे एंड उसके बाद इसे बाहर निकाल के इसके फीचर को टेस्ट करेंगे, जैसे कि इसका स्पीकर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बटन्स हो गया, चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। और टाइम रेफरेंस के लिए यहाँ पे इस मोबाइल का मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा ताकि हमें पता चल सके 5 मिनट्स हो चुके हैं। पहले तो मैं आप लोग को इस स्मार्ट वॉच का मॉडल दिखा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे देखिए अल्टिमा कॉल, ठीक है। तो अब इस स्मार्ट वॉच को मैं पानी के अंदर डिप करता हूँ। और यहाँ से इस स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। अब ठीक 5 मिनट्स के बाद मैं इसे बाहर निकालूंगा एंड फिर इसे टेस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, इनफैक्ट 5 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है, 8 मिनट 20 सेकेंड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस टाइमर को स्टॉप कर देता हूँ। तो 8 मिनट 25 सेकेंड से हमारी स्मार्ट वॉच पानी के अंदर डूबी हुई है, अब इसे बाहर निकालते हैं हम। तो कभी भी अगर आपकी स्मार्ट वॉच पानी में भीग जाती है या फिर पानी के अंदर डीप हो जाती है तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि अपने स्मार्ट वॉच को ड्राई करना है, किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ लेना अच्छे से उसके बटन एरिया से एंड डिस्प्ले से पानी को। तो स्मार्ट वॉच के बटन एरिया एंड डिस्प्ले से मैंने पानी को हटा दिया, पोंछ दिया है सूखे कपड़े से। अब स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग। सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसके बटन को, देखते हैं इसका बटन जो है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसका जो बटन है अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहा है, कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही मुझे। चेक कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को। तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे इसके डिस्प्ले में भी नज़र नहीं आ रही या फिर कोई भी ऐसा सच डेड एरिया जहाँ पे इसका स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा मुझे। अब चेक कर लेते इसके बैक साइड में जो लाइट होते हैं, सेंसर लाइट होते हैं, वो जल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लिंक हो रही है लाइट। और जो रेड लाइट होती है SPO2 की वो भी ब्लिंक हो रही है। अब इसके स्पीकर को टेस्ट करते हैं। स्पीकर को टेस्ट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस स्मार्ट वॉच से कॉल डायल करूँगा जो कि ऑलरेडी इस मोबाइल से कनेक्टेड है मेरा। तो कॉल डायल करके देखते हैं इसके स्पीकर काम कर रहा है या नहीं। SMS का उपयोग नहीं कर पाएंगी, हमारे पास आपके लिए
तो यहाँ पे इसका जो स्पीकर है वो भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डैमेज स्पीकर में यहाँ पे नजर नहीं आया मुझे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है हमारा वाटर टेस्ट में पास होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्मार्ट वॉच को पानी के अंदर डिप करना या फिर पानी के अंदर ले जाना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो IP68 रेटिंग दी जाती है ये एक्सीडेंटल डैमेज से बचाने के लिए दी जाती है। यानी कि अगर आपकी स्मार्ट वॉच गलती से पानी के अंदर भीग जाती है, पानी के अंदर गिर जाती है या फिर आप बारिश के अंदर पहन के चले गए गलती से 5-10 मिनट्स के लिए भीग गए, तो वहाँ पर आपकी स्मार्ट वॉच बच जाएगी, सेफ रहेगी। बट अगर आप इसको पर्पसली या फिर बार बार इसे पानी के कांटेक्ट में लेके जाओगे तो हो सकता है कि आपकी स्मार्ट वॉच खराब हो जाए। बाकी टेस्ट तो मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिया, होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, पसंद आई, तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।